का वफादार सिंघम है, और उसका एक और, उसका नाम एलियन है। लोग बहुत ज्यादा वफादारी करते हैं, घर का अच्छे से ख्याल रखते हैं हम लोग की गैर मौजूदगी में। अब मेरी मम्मी यहाँ पे रेडी हो चुकी है एकदम सर धज के। इतना दिनों बाद कहाँ जा रहे हो मम्मी? पार्टी में जाने के लिए रेडी हो? और मम्मी स्वेटर नहीं पहनी है ना? क्यों नहीं पहने मम्मी? हाँ रखे हो ना। हम लोग भी बचपन में सेम ऐसे ही करते थे, कपड़ा दिखाने के लिए हम लोग ना क्या करते थे, ठंडी लगता था तो भी स्वेटर नहीं पहनते थे ना। मैं बहुत दिन बाद छोटी की थी तो मैं ऐसी डिजाइन वाला छोटी कर करके रेडी हुई थी, और पूरा ऐसा बूथ काट के छोटी का अच्छे से रेडी हुई थी। बहुत दिन बाद मैं छोटी की थी। जनरली मेरे को इतना पसंद नहीं है ना छोटी करने के लिए, मैं ज़्यादातर जूड़ा में ही जूड़ा बना के रहती हूँ। और ये रहा हम लोग का सिंघम, ए सिंघम। ऐसे ना आज ना ठंडी थोड़ी सी कम हो चुकी है, और मैं बहुत दिनों बाद आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि आजकल मेरे को तो मन नहीं करता ब्लॉगिंग करने का, तो सोचा आज थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लेते हैं और ठंड का मजा भी ले लेते हैं। मैं बहुत दिनों बाद कुछ स्पेशल नया चीज़ ट्राई कर रही हूँ। मैं सोच की मशरूम है तो इतना ही मशरूम का ना फर्स्ट टाइम मशरूम चिली बना के देख रही हूँ। और मम्मी बना रही है यहाँ सब्जी, गोभी की सब्जी बना रही है, और आज हम आ रहे हैं स्पेशल बना है ना, ये स्पेशल मिर्ची की सब्जी बना है तो बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी भी। लेकिन इतना सा सब्जी नहीं होगा करके मम्मी दोबारा इतना वापस मेहनत कर रही है। मम्मी दोबारा बना रही है सब्जी, और अच्छे तरीके से काट के रेडी कर लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं मिलाऊंगी मक्के का आटा, मैं बस थोड़ा सा अपने मक्के का आटा अपनी क्वान्टिटी में मिला रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा मैं मिलाऊंगी मैदा। इक्वल इक्वल मिलाना है, तो मुझे क्वांटिटी अंदाजे अनुसार आपको खुद से लगाना पड़ेगा। मैंने इक्वल इक्वल मिला लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ, और ये इसमें से मैं डाल देती हूँ लाल मिर्च। इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार डाल देती हूँ, मुझे मिर्ची इतना पसंद है इसलिए मैं थोड़ा सा मिर्ची डाल रही हूँ। मैं सिर्फ ट्राई करके देख रही हूँ मेरे से बन रहा भी है कि नहीं। मैं हल्का सा हल्दी डाल दे रही हूँ, अब इसमें हल्का सा पानी डाल के इसका घोल बना ले लेंगे। हल्का सा पानी डाल के इसका हाथ से मैं ऐसा घोल बना लेती हूँ। तो मैंने तेल डाल दिया, मैं इसको अपना जो मेरा बैटर है इसको इतनी क्वांटिटी में रखी हूँ। अब मैं इसमें एक एक करके डालूँ कि मम्मी एक बार में इसको धीरे धीरे ऐसा डाल दो जितना क्वांटिटी वाइज है। इसको ना मैं एकदम लाल होते तक फ्राई करने वाली हूँ, और इसके लिए जो मटेरियल है ग्रेवी के लिए वो रेडी कर रही हूँ। मम्मी से रेडी कर रही हूँ मम्मी सब्जी के लिए। अब मैं इसके लिए ना प्याज को रेडी कर रही हूँ, काट रही हूँ ठीक है, क्योंकि मैं मेरे पास अभी शिमला मिर्च नहीं है तो मैं बस इसे ही डालने वाली हूँ। तो इसको अलग तरीके से उसको काटते हैं। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करके देख रही हूँ, यदि बिगड़ जाएगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करके देख रही हूँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है मेरे से आज कुछ टाइप का बन रहा है। अब मैं इतनी क्वान्टिटी में इसको निकाल दूँगी, मेरा रेडी हो गया है। इतनी क्वान्टिटी में इसको मैं निकाल रही हूँ। अब इसकी ग्रेवी के लिए मैं इसकी तो मैं एक ही मिर्ची डाली, क्योंकि मुझे ज़्यादा मिर्ची पसंद है। और मैं थोड़ा सा फिर जीरा डाल देती हूँ। मैं इसको अपने जैसे मेरे पास है सबको कोशिश कर रही हूँ बनाने के लिए, ज़्यादा ताम से मैं नहीं कर रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा लहसुन है वो डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा लाल होने का ट्राई कर लूँ। अच्छा सा लाल हो गया, अच्छा थोड़ा सा प्याज डाल देती हूँ। प्याज को हल्का भूनना है, होटल प्याज का बनाना है तो हल्का अपना प्याज भून जाए मेरे को। देखिए मैं थोड़ा सा है ना इसको लाल होते तो भून लेती, क्योंकि नहीं तो कच्चा कच्चा लगता है। अब होटल को आप लोग ट्राई किए होंगे, मीठा मीठा स्वाद आता है। इसमें मैं ये गार्लिक लहसुन का पेस्ट डालने वाली हूँ, और ये सोया सॉस भी डालने वाली हूँ, ये दोनों डालने वाली हूँ मैं। इतना ठीक है ना मम्मी? अब मैं डाल दूँ सुना डालूँगी। मैं गार्लिक लहसुन का पेस्ट है वो थोड़ा सा डाल रही हूँ।
थोड़ा सा मेरे क्वांटिटी में है तो मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। इसमें थोड़ा सा सोया सॉस है, टोमेटो केचप डाल दें थोड़ा सा, इसी के कारण ये मीठा टेस्ट जो आता है उसके कारण आता है। इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक थोड़ा सा डाल दूँगी, इसमें उतना नमक डाल दें, जो ग्रेवी होगा ना थोड़ा सा उतना डाल दूँ, तो मैं थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी। मैं केचप थोड़ा सा और डाल दूँगी, हल्का सा ऑयल भी डाल रही हूँ थोड़ा सा, और ये मेरा जो बैटर है इसको भी मैं साथ ही साथ इसमें डाल दूँगी, इसमें बैटर भी मैं साथ साथ डाल दे रही, इसको थोड़ा सा हिला दूँगी अच्छे तेज तेज करके, और मिर्ची भी डाल देती हूँ ना, लाल मिर्ची डाल देती हूँ थोड़ा सा, अच्छे से हिला देती हूँ वो लाल मिर्ची, और थोड़ा सा मैं इसमें ये सोया सॉस भी डाल दें, हाँ डाल दें बस, हल्दी नहीं, अब इसको मैं हिला देती हूँ अच्छे से, सोया सॉस डालने के बाद थोड़ा अलग ही कलर इसमें आ जाता है। अब मैं इसमें मैंने घोल बनाया है मैदा, और उसमें पानी मिला दिया, अब इसको मैं डाल दूँगी जिससे ये गाढ़ा हो जाएगा मेरा जो, इसको मैं आँच इसका तेज कर दूँ, इसको ऐसा कंटिन्यू हिलाते रहना है, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा फिर ये हमारा रेडी हो जाएगा, फिर मैं इसको निकाल दूंगी और मैं गर्मा गर्म खाऊंगी। ये मेरा ऑलरेडी रेडी हो चुका है, मेरा मशरूम चिल्ली रेडी हो चुका है, मैं इतने क्वांटिटी में बता रही हूँ, पक गया है, और आप भी बताइएगा आप लोगों को कैसा दिख रहा है, और मैं टेस्ट करके बताती क्या ये सही बना है कि नहीं बना है, मैं दोबारा इसको ट्राई कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, देखिए कितना ज़्यादा यम्मी एंड टेस्टी दिख रहा है। ये रहा मेरा रेडी हो चुका है मशरूम चिल्ली, अब फाइनली मेरा बन के रेडी हो चुका है मशरूम चिल्ली, अब मैं आपको बताऊंगी इसका टेस्ट कैसा लग रहा है, मैं क्या मैं अपने रेसिपी में सक्सेसफुल हो पाई हूँ कि नहीं, आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा, मैं कमेंट ज़रूर करिएगा उसकी प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। यहाँ पापा केक काटने के लिए रेडी है, अपना बर्थडे मना रहे हैं, ये रही नेहा, बिरयानी खाने में बिजी है भाई, काट रहे ना, अरे हाँ रुको ना, हम लोग तो पहले बेटू देख रहा है, बेटू देख रहा है क्या हो रहा है करके, एकदम से देख रहे मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं, तो आज मैं ऊपर छत आई थी अपने सारे फल, क्योंकि नीचे घर में काम चल रहा है तो यहाँ पे छत में आई थी, थोड़ा सा पेड़ पौधों को पानी डालने के लिए आई थी, आपको दिखाती हूँ कि मैं कितना अच्छा दिख रहा है, अभी बहुत सारा भी मम्मी ने नया नया फल लगाया है गमले में, यहाँ पे ही रहा मेरा छत का गार्डन, मम्मी का गार्डन,
और यहाँ पे मम्मी कितना सुंदर सुंदर लगाई, गेंदे के फूल लगाई हैं, और यहाँ पे ये सजावटी फूल, और ये बहुत सारा फूल ही फूल है यहाँ पे भी सब लग रहा है। ये पूरा गेंदा गेंदा के फूल लगाई हुई, पूरा मम्मी छत को गार्डन बना के रख दी। यहाँ पे सब जगह काम चल रहा है, और यहाँ पे हम लोग खाद बनाने के लिए कर रहे हैं, जितना भी गीला कचरा रहता है उसको एक साथ करके फल वल या फिर जो सब्जी है सबको रख के इसमें खाद बनाने का प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये पूरा है, कितना सुंदर लग रहा है। घर में सभी प्रकार का सब्जी लगाएंगे बोल रहे, तभी लौकी लगाए हैं और भाजी है, पूरा 2-3 प्रकार का भाजी लगाने वाले हैं, कुंदरू लगाने वाले, बरबट्टी लगाने वाले हैं, और भिंडी लगाने वाले, मतलब सारे प्रकार का सब्जी लगाने का सोचे, थोड़ा थोड़ा गमले में या फिर नीचे में है वहाँ पे पूरा बनाया गया है भाजी बनाने के लिए, तो उसको भाजी लगाएंगे उसमें करके पूरा बनाया गया। खाद वाद अच्छे से सब चीज़ को डाल रहे हैं मम्मी ने, एक लिए मिट्टी मंगाई थी मम्मी, तो बहुत सारा मिट्टी है पूरा, ये सबको गमले में आधा डाली और ये पूरा खाद बनाए जा रहे हैं इससे मम्मी, और मम्मी बोल